नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका टुडेज के हमारे इस न्यूज कार्यक्रम में। और आज हम फिर से हाजिर हैं राजस्थान की 20 बड़ी खबरों के साथ। श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव 18 बीबी में आज से हो रहा पुनर्मतदान। भाजपा के कर्नल सोनाराम चौधरी और कांग्रेस के कर्नल मानवेंद्र सिंह का राजनीतिक भविष्य कल तय होगा। अंबानी ने कहा, हम लड़की वाले कमी रहे तो सहन करें। पीरामल बोले, हम परंपरा बदलना चाहते थे। राजकुमारी दिया और नरेंद्र बोले, तलाक का निर्णय सहमति से, कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सऊदी में फंसे 5000 मजदूर वतन वापसी के लिए सरकार से फरियाद। 199 सीट 67 पर संघर्ष, 42 पर भाजपा, 77 पर कांग्रेस की अस्पष्ट जीत, 13 सीटों पर अन्य। जोधपुर में अविंद्र ड्रिल, आज से रूस के पायलट भारत के विमान उड़ाएंगे। राजवी और पुनिया ने 3-3 लाख में तो पुष्पेंद्र ने 21 लाख में लड़ा चुनाव। ईशा आनंद की प्री वेडिंग सेरेमनी, ईशा की फेवरेट हॉलीवुड सिंगर बियोंसे ने परफॉर्मेंस थामी सितारों की सांस। जब पॉप स्टार ने डांस किया तो लोगों के कदम थम गए, आंखें खुली की खुली रह गई। विधानसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं ने दिखाई अधिक रुचि। जहरीले किले के काटने से विवाहिता और युवक की मौत, दोनों अपने अपने खेतों में कर रहे थे काम। श्री नाथ जी में थी धीरू भाई अंबानी की आस्था, इसलिए मुकेश ने लेक सिटी में किया बेटी ईशा का प्री वेडिंग फंक्शन। सप्लाई के दौरान करते थे LPG सिलेंडर की चोरी, 2 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, 14 सिलेंडर बरामद। जेल में दोस्ती कर बनाई गैंग, जमानत पर आते ही करने लगे चोरियां, सरगना भी गिरफ्तार। सख्ती और फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता के बावजूद मेवाड़ की 28 सीटों पर 354 लोग डाल गए फर्जी वोट। चुनाव परिणाम के बाद 45 दिन तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रहेंगी EVM VVPAT मशीनें। ये थी राजस्थान से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। अगर आप हम YouTube पे देखते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम न्यूज़ लेकर के आएंगे, खबर लेकर आए, तो आप तक नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।